बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तआला मन कान फ़क़ीरन फ़लयकुल बिल मारूफ़ व क़ाल अइदन मिन औसति मा तुतीमून अहलीकुम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदी मा यकफ़ी की वालद की यकफ़ी की वालद की बिल मारूफ़ी। ये दो आयात और एक हदीस ये बतौर दलील पेश की है एक कायदा के लिए जिसका नाम है अल-आदतु मुहक्कमतुन। अल-आदतु मुहक्कमतुन इस कायदे की दलील के तौर पर ये कुछ नसूस पेश की हैं। ये कायदा अल-आदतु मुहक्कमतुन यानी क़वाइद ए फ़िक़हिया में से ये पाँचवा एक बड़ा कायदा है। आम तौर पर इन क़वायद को क़वाइद ए कुबरा कहा जाता है। क़वाइद ए कुबरा में से एक पाँचवा ये भी है अल-आदतु मुहक्कमतुन। अब हम इसकी वजाहत करते हैं कि अल-आदतु मुहक्कमतुन से मुराद क्या है। आदा का लफ्ज़ ये औद से मुआवदा से ये मखूज़ है जिसका माना होता है किसी चीज़ का बार बार होना, किसी काम का या किसी कौल का, किसी तसर्रुफ़ का, किसी फ़ेल का बार बार करना या उसका वाक़ई होना आदत के अंदर। यानी ये माना पाया जाता है एक चीज़ तकरार से कोई शख्स अंजाम देता है या वाक़ई होती है इस तरह कि उसको करना या अंजाम देना बड़ा ही आसान हो जाता है और ये इंसान की एक तबीयत बन जाती है जिसे कहते हैं कि अल-आदतु तबीयतुन सानिया। आदत जो होती है इंसान की ये तबीयत सानिया होती है। इस तरह तबीयत का मजाज का एक अमल हिस्सा बन जाता है। उसको बार बार करने की वजह से उसके अंदर तकरार की वजह से यानी आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा उसको करना। तो इसके अंदर क्योंकि माना जो है वो लुग़वी एतबार से तकरार का पाया जाता है लेकिन ये तकरार जो है वो ऐसा होगा यानी किसी अमल का किसी तसर्रुफ़ का तकरार है इस तरह का कि जो इत्तफ़ाक़ी ना हो वो इससे मुराद नहीं है। इत्तफ़ाक़ी तसर्रुफ़ मुराद नहीं। एक तसर्रुफ़ या काम वो होता है जो इत्तफ़ाक़ी इस तरह हो जाता है यानी कभी किसी आदमी से इत्तफ़ाक़न हो गया। जैसे इसमें खर्क के आदत चीज़ें भी आ जाती हैं मोइज़ात इत्तफ़ाक़न हो जाते हैं। ये इंसान की बाकायदा एक तभी आदत नहीं होती। किसी से करामत का ज़हूर या नबी से अगर मौजज़ा ज़ाहिर होता है तो ये बाकायदा बतौर आदत नहीं होता क्योंकि मौजज़ात या करामात ये इत्तफ़ाक़न होती हैं। आम आदत के अंदर ये शामिल नहीं है क्योंकि आदत के अंदर वो काम है तो इंसान खुद करता है बार बार करता है या उससे बार बार होता है और इतना आसान हो जाता है कि उसकी तबीयत का एक हिस्सा बन जाता है। यानी लोगों एतबार से ही आदत का माना है। और उसके बाद दूसरा लफ्ज़ इसमें वो है मुहक्कमा। मुहक्कमा लफ्ज़ इस मफ़ूल है तहकीम से। हक्कमा युहक्किमु तहकीम इसका ये मफ़ूल बनता है मुहक्कमा जिसका माना बनता है तहकीम का माना होता है कोई फैसला करना लोगों के दरमियान फैसला करना। किसी झगड़े और नज़ा के वक़्त लोगों के दरमियान फैसला कर देना ये तहकीम कमाना है। तो इसी से ही लफ्ज़ महफूज है मुहक्कमा। तो इस कमाना क्या बढ़ेगा कि किसी झगड़े के वक्त जब किसी चीज़ में इख्तलाफ हो जाए लोगों के दरमियान या झगड़ा हो जाए तो उस वक्त फैसले का मर्जा ये आदत हो, यानी आदत के मुताबिक फैसला होगा। गोया कि आदत उसके लिए एक मर्जा की हैसियत रखती, यानी माना लोवी एतवार से हम कर रहे हैं। अब इन दोनों को जब मिला के इस्तलाही इसका महूम बयान करेंगे तो उसका माना क्या बनेगा कि आदत से मुराद ये है कि ये आदत को फैसला करने का इख्तियार है। आदत जो है वो एक यानी शरी हुक्म के इस निफाज के लिए या शरी हुक्म लगाने के लिए आदत बतौर फैसल काम करेगी। किस वक्त? जब उसके बारे में कोई शरी यानी नस नहीं होती, जब किसी मसला में कोई नस शरी नहीं होती तो उस वक्त आम जो यानी तसर्रुफात इंसान के उनमें कोई हुक्म लगाने के लिए आदत को फैसल माना जाएगा। आदत बतौर फैसल होगी, तसर्रुफात पर अफाल पर हुक्म लगाने के लिए जब उसके बारे में कोई नस वार्द ना हो। यानी मतलब इसका यह है कि शारे की नज़र में आदत को या दूसरे अल्फाज में उसको उर्फ भी कहते हैं, उर्फ को ये इख्तियार दिया गया है कि वो लोगों के मामलात और उनके तसर्रुफात में फैसला कर दे किस वक्त, जब उसके बारे में कोई नस ना हो। नस की अदम मौजूदगी में कोई फैसला कर दे यानी शरी तौर पर उसे ये इख्तियार है तसर्रुफात पर हुक्म लगाने का, फैसला करने का, जब उनके बारे में कोई नस वारद नहीं होती। ये जो हमने आयात पेश की हैं इनमें ये पहलू इसका जिक्र हुआ है एक कि एक होता है कि नस किसी मसले में मौजूद नहीं, किसी ने कोई यानी कोई काम ऐसा जो बतौर याद किया जाता है, बार बार होता है, उसका तकरार होता है, तो अगर उसके बारे में नस नहीं है तो उस आदत के बारे में यानी फैसला जो है वो उर्फ से किया जाएगा। उर्फ को इख्तियार है फैसला करने का। ये अदम नस की एक शक्ल है। दूसरी सूरत ये होती है कि नस मौजूद है लेकिन नस में हुक्म को मुतलक रख दिया है, उसका तयन नहीं किया, तो ऐसी सूरत में उसकी तयन उसकी तफसीर वो उर्फ से की जाएगी। ये जो कुरानी आयात हमने बयान की हैं उनके अंदर यही बयान हुआ है। मन कान फ़कीरन फलियाकुल बिलमाल, कि जो मुहताज है, नादार या गरीब है और वो किसी यतीम के माल का वो निगरान है, उसका वली बना हुआ है, तो उसको चाहिए कि मारूफ तरीके से खाए। यहाँ ये ना से मुतलक है। अब मारूफ तरीका क्या है, कितना खाए, कोई हद नहीं है। इसका फैसला हम कैसे करेंगे, इसकी तयीन कैसे करेंगे? इसकी तयीन उर्फ करेगा, आदत जो आदात हैं वो करेंगी कि आम तौर पर लोगों के यहाँ खाने पीने का मसलन या लिबास का या रहैश का उर्फ क्या चलता है जिसके मुताबिक यतीम के माल से ये कुछ खा सके। ऐसे कसम के कफ़ारे में ये जो बात कही है मिन औसत मा तुतीमूना अहलीकुम, कसम का कफ़ारा अदा करना है लेकिन कितना, इसमें हद मुतय्यन नहीं। ये कहा है कि दरमियाना सा खाना जो तुम अपने अहल व अयाल को खिलाते हो। अब इसकी तयीन जो है वो शरीयत ने मुतलक रखी है, उर्फ पर छोड़ दिया है। ये उर्फ से हम फैसला करेंगे और में कितना खाना आमतौर पर कोई शख्स अपने अहल व याल को खिलाता है, बल्कि इसमें इस तयीन के अंदर जो है फ़र्क पड़ जाएगा ना कि उर्फ के मुताबिक एक आदमी के यहाँ कुछ उर्फ और है, दूसरों के यहाँ कुछ उर्फ और है, मसलन सऊदीया में अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएं तो कीमत ज़्यादा बन जाएगी, हमारे यहाँ कम बनती है। इस तरह अमरीकी अगर डॉलर में या अमेरिका के अंदर इसका फ़ैसला किया जाए तो वहाँ इसकी तायीन कुछ और होगी, हमारे यहाँ कुछ और होगी। तो ये मतलब है कि जिस जगह कोई शरी नस नहीं आती उस जगह शरीयत ने आदत को, उर्फ को हाकम बनाया है कि वो किसी तसर्रुफ़ पर फैसला कर सके। तो ये यानी दो तरह का हो गया, एक है नसूस की तफसीर में, तायीन में, ये उस वक्त होता है जब नसूस को मुतलक रखा जाए, उनकी तायीन उर्फ पर छोड़ दी जाए। मसलन घर में बीवी बच्चों के जो अखराजात हैं वो मर्द पर ज़रूरी हैं, लेकिन कितने दें ये भी हुक्म तो है लेकिन उर्फ पर छोड़ दिया है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सुफियान की बेटी हज़रत हिंद को ये हुक्म दिया था जब उन्होंने शिकायत की कि मेरा खामद जो है कंजूस है, हमें इतना ख़र्चा नहीं देता जो मेरे लिए और मेरी औलाद के लिए काफ़ी हो जाए। और फरमाया खुजी मा यकफी की व वालदी की बिल मारूफ, इतना ले ले जो तेरी औलाद के लिए काफ़ी हो जाए और मारूफ तरीके से। तो मारूफ तरीक़ा ये उर्फ के मुताबिक, आदत के मुताबिक ही इसका तयन होगा कि कितना उसने खर्च लेना है। तो दूसरी सूरत है कि उसमें कोई नस ना मिले बिल्कुल, यानी ऐसा मसला जिसमें कोई नस नहीं मिलती, तो उस वक़्त उसमें फ़ैसला उर्फ के मुताबिक किया जाएगा। बल्कि ये होता है कि आम तौर पर अहले इल्म कुछ कवायद का नाम इस तरह दे देते हैं, कहते हैं अल मारूफ उर्फन कल मशरूती शर्ता, एक चीज़ इस तरह मारूफ हो जाती है कि उसकी हैसियत एक बाकायदा शर्त की बन जाती है, शर्त की बन जाती है। यानी अल मारूफ उर्फन कल मशरूती शर्तन। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह बाज़ार में जाते हैं, किसी ताजर के पास, या ताजर लेन देन करते हैं आपस में, तो उसमें वो एक बात तय कर लेते हैं, एक चीज़ का सौदा हो जाता है, अकद पूरा हो जाता है और उसकी कीमत का जिक्र नहीं किया जाता। तो अब उस कीमत का तयन कैसे किया जाएगा? उर्फ के मुताबिक। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि उनकी कीमत तय होती है, पता होता है कि ये कीमत इसकी इतनी है, तो जितना उर्फ के मुताबिक उसका रेट है उसके मुताबिक कीमत अदा कर देगा, इससे झगड़ा नहीं होगा। अगर उनको दोनों के दरमियान ये झगड़ा हो जाए कि कीमत कितनी अदा करनी है, तो फैसला उर्फ करेगा कि इस चीज़ की कीमत उर्फ में कितनी है, किस तरह चल रहा है। तो यहाँ तय तो नहीं हुआ, लेकिन अगर तय कर दें तो फिर इख्तलाफ ही नहीं होगा। कोई शख्स कहे कि ये चीज़ जो है मैं इतने की लेता, या वो कहे कि मैं इतने की देता हूँ, तो अब तो कोई इख्तलाफ नहीं होगा। इख्तलाफ उसी वक्त होगा जब उसके बारे में खामोशी इख्तियार की है। इसमें मतलब खामोशी है, बाद दफ़ा कोई आदमी माल ज़्यादा ख़रीद लेता है, अब इसको उठाकर इसके गोदाम में या इसके घर तक कौन पहुँचाएगा? बाय की ज़िम्मेदारी है या मुश्तरी की है, दोनों में से कौन पहुँचाएगा? तो एक सूरत यह है कि तय कर लें, तो पहले कह दे कि मैं इस चीज़ का इतना रेट देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तूने मेरे घर तक या मेरी दुकान तक या मेरे गोदाम तक इसको पहुँचाना है, तो फिर भी इख्तलाफ नहीं रहेगा। ये यानी समझ लगे क्या हो गया, ये सराहत होगी, ये एक नस होगी, अगर ये नस्से शरी नहीं है, यानी एक शर्त लगी ना, ये शर्त। इसलिए कहते हैं कि अल मारूफ और फन कल मशरूती शर्तन, शर्त लगी है। तो लेकिन अगर वो ये तय कर लें, मसलन जो मुश्तरी है वो खुद कहे कि मैं यानी खुद ले जाऊँगा, आप इतने रेट पर मुझे चीज़ दे दें, या दुकानदार कहे कि इस रेट पर मैं इस शर्त पर देता हूँ कि तूने खुद लेके जाना है, गाड़ी वगैरह का किराया जो है ये तेरी ज़िम्मेदारी है, ये सराहत होगी, इसके बारे में तो इख्तलाफ नहीं होगा। लेकिन अगर ये सूरत बने कि उन्होंने बात तय कर ली है, बाद में इख्तलाफ हुआ, बाय कहता है कि ये तेरी ज़िम्मेदारी है, मुश्तरी यानी ख़ुद इसका ख़र्चा बर्दाश्त करे, लेकिन जो मुश्तरी है वो कहता नहीं बाय की ज़िम्मेदारी है, तूने इसे मेरे गोदाम दुकान तक पहुँचाना, इख्तलाफ हो गया। इस जगह फैसला किससे करना है, यहाँ उर्फ आदत से फैसला करेंगे कि आमतौर पर यहाँ लोग जो खरीदो फरोख्त करते हैं इसमें इस लोड की या हमलो नकल की जिम्मेदारी किस पर होती है। उर्फ के अंदर जो चीज़ चल रही है उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा, उर्फ फैसला कर देगा। यहाँ इसके लिए कायदा जो है वो कोई शरई दलील की ज़रूरत नहीं होगी। मसलन ये चीज़ें जो है वो ताजरों के यहाँ मशहूर हैं, कल मारूफ बैन तुजारी कल मशरूत इंदा। हम लोग के यहाँ भी वादे होते हैं, लेन देन होता है कोई, तो उसमें भी एक उर्फ चल रहा होता है, उसके मुताबिक वो काम हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि अल-साबितु बिल-उर्फी कस्साबिती बिनस्सिन शरीयन। उर्फ से चीज़ साबित होने वाली ऐसी है जैसे कोई नस्से शरी से साबित हो। मतलब ये होता है कि एक चीज़ का तयन वो नस्से शरी कर देती है, उसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं होगा। लेकिन जिस जगह किसी चीज़ का तयन नस्से शरी नहीं करती, उसका मुतलक रखती है, तो वहाँ उसका तयन उर्फ करेगा। गोया कि उर्फ का तयन करना ऐसे है जैसे नस का मुतयन करना है। जैसे अभी हमने मिसालें दी थी कि मारूफ तरीके से खाए, तो मारूफ तरीका ये शरीयत ने उर्फ पर छोड़ दिया। अगर यहाँ नास से तयन हो जाता तो फिर उतनी अदायगी ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ क्योंकि शारे ने उर्फ पर छोड़ दिया है तो अब उर्फ ही फैसला करेगा। इसलिए जो उर्फ से साबित है वो ऐसे जैसे नास से साबित है। उर्फ जो है ये यानी इसका माना जिस तरह के हमने जिक्र किया है कि इस्तलाही तौर पर माना क्या होगा इसका कि कुछ तसर्रुफात ऐसे हैं जिनके बारे में नस ना हो तो उनके अहकाम वो आदत से मालूम किए जाएंगे। आदत उर्फ को इख्तियार है कि उनके अहकाम का फैसला करें, यानी समझो शारे की तरफ से इख्तियार ये मिल गया है फैसला करने का। यानी तारीफ जो थी उसकी ये वजाहत हो गई। तारीफ ये थी कि आदत जो है उसको हाकम बना लिया जाए, फैसल बना लिया जाए किसी तसर्रुफ पर शरी हुक्म लगाने के लिए, इसका शरी हुक्म क्या होगा। लेकिन ये उसी सूरत में है जब उसके बारे में नस वारद नहीं या नस ने किसी मिकदार को, किसी हद को मुतय्यन नहीं किया बल्कि मुतलक रखा है, उसमें इख्तियार होगा। तो जो आदात होती हैं वो यानी कई अकसाम की हैं, कई लिहाज से इसकी तकसीम की गई है। एक मसलन आदत जो है कहते हैं ये आदत आमा है और ये यानी उर्फिया है और आमा है। कोई आदत जो है वो ख़ास होती है, कोई उर्फ जो है वो शरी भी होता है, कोई आदत या उर्फ शरी भी होता है। यानी इस तरह करके भी तकसीम की गई है तीन तरह की। वो उर्फ जो यानी आम होता है, यानी उर्फी और आम एक, जिसमें यानी कुछ मुहावरे बोले जाते हैं उर्फ में, तो उनका माना वही होता है जो उर्फ में चलता है, लुग़वी माना नहीं देखा जाता। इसको मसलन किसी वक्त यानी लोगत के एतबार से यानी एक उर्फ लुग़वी है और एक उर्फ शरी है और एक उर्फ वैसे ही यानी उर्फी और आम होता है, बतौर मुहावरा किसी लफ्ज़ को बोल दिया जाता है। जैसे ये मिसाल आपने पढ़ी भी होगी, उसूल शाशी के अंदर मौजूद है। कोई आदमी कहे कि मैं फलां के घर में कदम नहीं रखूँगा, अब कदम रखने से क्या मुराद है? यानी लुग़वी एतबार से आप देखें तो इसका मतलब यह है कि हकीकत में पाँव रखना। कोई शख्स जो है वो उसका पूरा जिसम अगर घर के बाहर हो, सिर्फ पाँव रख दे तो लुग़वी एतबार से वो हानिस हो जाएगा, उसकी कसम टूट जाएगी। लेकिन मुराद ये नहीं है। कोई आदमी अगर हकीकत में ऐसे कर दे, घर से बाहर बैठा है लेकिन अपना कदम ऐसे लटका के घर में रख दे तो हानिस नहीं होगा। किस लिए? क्योंकि मुराद इससे क्या है? दाखिल होना मुराद है कि मैं इस घर में दाखिल नहीं हुआ। अगर वो शख्स पाँव नहीं रखता बल्कि घोड़े पर सवार होकर अंदर आ जाए तो फिर उसे यही कहें कि घर में दाखिल हो गया, हाँ नहीं समझे। यानी ये भी एक उर्फ चलता है। ऐसे जो है वो कुछ हाँ ये आम उर्फी में आता है कि आदत जो है वो आम भी है और एक उर्फी भी है। ऐसे कुछ उर्फ आमतौर पर होता है कुछ ख़ास लोगों के यहाँ, ये ख़ास उर्फ मतलब उसूलियों के उर्फ बन जाता है, नावियों के उर्फ बन जाता है। ये मुख्तलिफ़ फ़नून का उर्फ है ना, ये उर्फ ख़ास है। जैसे नावियों के यहाँ जी फ़ाइल मरफू होता है, मफूल मनसूब होता है, इस तरह के उर्फ। कुछ उर्फ हैं जो उसूलियों के यहाँ हैं। उसूलियों के यहाँ जी एक जमा होता है, एक फ़र्क होता है, एक नकल होता है, इस तरह की असलाहें ये उसूलियों के यहाँ हैं। इनका लोगी माना नहीं किया जाए, उसूली जो माना करेंगे वही होगा। ऐसे एक उर्फ शरई है। शरई उर्फ वो है कि जिसमें आम तौर पर हमारी इबादात इस्तेमाल होती हैं या उनका माना किया जाता है। जैसे ये नमाज है, रोज़ा, हज और ज़कात। अगर लुग़वी एतबार से देखा जाए तो नमाज का माना एक मतलब दुआ का बन जाएगा, ज़कात का माना बढ़ने का या पार करने का बन जाएगा, और सौम का माना रुकने का, और हज का माना सिर्फ कसद करने का, इरादे का। लेकिन ये मुराद नहीं है। जब हम नमाज का लफ्ज़ बोलते हैं या ज़कात या हज या रोज़े का, उससे मुराद उर्फ़ शरई होता है। ये शरई उर्फ़ दूसरा नहीं मुराद लिया जा सकता। तो इस ज़िमन में जो है वो एक बस ये भी है कि उर्फ़ और आदत है, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। आदत का माना ये है कि यानी किसी भी चीज़ का बार बार होना, ख़ासकर एक जो मारूफ माना किया गया है ना, तकरीबन उलमा ने जो इसका निचोड़ निकाला है, वो कहते हैं कि शुरू से मुराद ऐसा यानी कोई मामला या ऐसे उमूर होंगे जो उमूर बार बार वाक़ होते हैं और ये तबाए सलीमा की तरफ से वाक़ होते हैं और उनके यहाँ बाकायदा ये मकबूल होते हैं। मतलब ऐसे लोगों के यहाँ जिनकी तबाए सलीमा हैं वो लोग इनको कबूल करते हैं और उनके यहाँ ये बार बार होते हैं। इस तरह हम कहते हैं ना अक्ल सलीम, ऐसे लोग जो अक्ल सलीम रखते हैं उनके यहाँ कुछ तसर्रुफात बार बार इस तरह होते रहते हैं कि वो उनको कबूल करते हैं, हत्ता कि ये तसर्रुफात उनके दिल में करार पकड़ जाते हैं, उनकी जो है वो एक मारूफ आदत बन जाती है, इसको कबूल कर लेते हैं। यानी ये अक्ल सलीम रखने वाले या तबाए सलीमा के यहाँ ये कबूल होते हैं, इसलिए क्योंकि वज़न इसका ही बनेगा। अगर कुछ लोग ऐसे जो गलत किस्म के इकट्ठे हो जाएं, मतलब चोर इकट्ठे हो जाएं, डाकू इकट्ठे हो जाएं और कई किस्म के कोई पेशावर मुजरम इकट्ठे हो जाएं, तो उनका एक उर्फ उसका कोई इतबार नहीं। ये तबाए सलीमा का इतबार है। कैसे उमूर ऐसे तसर्रुफात जो बार बार वकू पज़ीर होते हैं और तबाए सलीमा उसको कबूल करती हैं और ये इतने आम हो जाते हैं कि उनके नफ्सों में करार पकड़ जाते हैं। ये इसकी सूरत बन जाएगी। आदत जो होती है ना ये तो तकसीम इसकी ये थी ना, एक कुछ उर्फ़ी आदत आम है, एक जो है वो कुछ ख़ास है, एक आदत उर्फ़ी ये शरई है, शरई इस्तिलाहात होती है। और एक अहले इल्म ने जो तकसीम इस तरह की है कि कभी आदत जो इनफरादी होती है किसी आदमी की, इनफरादी आदत ये होती है कि एक आदमी का सोने का एक तरीका है, एक सोने का तरीका है, उसका बैठने का एक अंदाज़ है और उसका खाने का एक अंदाज है। हर आदमी एक तरह नहीं करता है, हर आदमी की अपनी आदत है। कोई किसी तरीके से खा रहा है, कोई किसी तरीके से सो रहा है और ऐसे ही ये भी आदत होती है कि कोई शख्स कोई चीज़ पसंद करता है, कोई पसंद अपने रिवाज और आदत के मुताबिक वो चीज़ें खाता है। ये भी इलाकों के एतबार से, ख़ानदानों के एतबार से, ये ममालक के एतबार से फ़र्क पड़ जाता है। इस तरह के हमारे यहाँ आमतौर पर लोग रोटी पसंद करते हैं, बाद इलाकों में चावल पसंद किया जाता है, किसी जगह पे जो है वो आम ये गोश्त, लोग मुर्गी का भी पसंद करते हैं, किसी जगह बड़ा गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है, किसी जगह छोटा, किसी जगह मछली बड़ी पसंद की जाती है। जैसे लिबास अपने अपनी पसंद के, इनफरादी आदात है, इनफरादी आदात में ये चीज़ें शामिल हैं। तो एक किस्म आदात की ये होती है इनफरादी, इसको कहते हैं, दूसरी इतनाई होती है, यानी ऐसे रस्म रवाज और आदात जो इज्तमाई तौर पर लोगों से वो सर अंजाम पाती हैं, इज्तमाई तौर पर काम करते हैं और उनके यहाँ वो भी इस तरह मारूफ हो जाते हैं, उनकी आदत बन जाती है। जिस तरह के उसमें भी ये कुछ खाने पीने के अंदाज भी हैं, रहने सहने के तरीके भी हैं, लेन देन तजारत का अंदाज भी है। तो ये इज्तमाई कुछ आदात होती हैं लोगों की। इस तरह शादी ब्याह के जो रवाज हैं हमारे, ये भी इज्तमाही होते हैं, इफरादी नहीं होते। कुछ रवाज गमी के मौका पर सामने आते हैं, कुछ खुशी के मौका पर। शादी के जो रवाज हैं ये इज्तमाही होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं रवाज जो किसी ये समझ लें कि उनका तकरार या बार बार होना आदात का, वो एक तभी सबब से होता है, तभी असबाब होते हैं कुछ चीज़ों के, तभी असबाब। जैसे ये कि किसी इलाके में जो है ना वो कोई बच्चा जल्दी बालग हो जाता है, किसी में देर से होता है, ये तभी असबाब हैं। गर्म इलाकों में और ठंडे इलाकों में फ़र्क होता है। ऐसे फल पकते हैं, किसी जगह जल्दी पकते हैं, किसी जगह लेट पकते हैं। फसलें पकती हैं, किसी जगह जल्दी पक जाती हैं, किसी जगह लेट पकती हैं। इस तरह हमारे यहाँ फ़र्क है। सिंध से चीज़ें पहले आ जाती हैं, हमारे यहाँ बाद में आती हैं। ये वो आदात हैं जिनके पीछे तभी असबाब होते हैं, लेकिन कहा इन्हें भी आदात जाता है। कुछ आदात ऐसी होती हैं कि जिनके पीछे लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, लोगों की ख्वाहिशात हैं, शहवात है। इस बुनियाद पर कुछ आदात बनती हैं माशरे के अंदर। मतलब ये है कि उसमें असबाब असल क्या होते हैं, उन आदात के असबाब उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, शहवात की इत्तिबा है, उनका जो है वो यानी एक फसाद फैलाना, ये सबब बनता है। इतने नजायज़ काम हैं अगर लोगों की आदत बन जाए। मतलब बातिल तरीके से माल खाना, सूद का रवाज बन जाए, लोगों पर जुल्म सितम करने का रवाज बन जाए, बुराई आम हो जाए, यानी बदकारी जिनाकारी आम हो जाए, या मसलन ये है कि उरियानी आम हो जाए, और इसके अलावा जो है वो यानी मतलब बुराई जो होती है, कोई भी सूदखोरी ये आम हो जाती है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके पीछे इंसान की अपनी ख्वाहिशात है, यानी ख्वाहिशात शहवात की इत्तिबा है, ये सबब बनती है। नेकी की तरफ नहीं जाएंगे, नेकी के लिए रुकावट बन जाएंगे, बुराई के लिए मददगार बन जाएंगे। कहा इन्हें भी आदात जाता है, ये भी इंसान की आदात में शामिल है। यानी इस तरह करके जो है वो ये तीन किस्म की बनती हैं आदात, कुछ इंसान की इनफरादी और कुछ इज्तमाई, और तीसरी किस्म की वो हैं कि जिनके पीछे या तो तभी असबाब होते हैं या फिर इंसानी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। तो हमारा असल जो मौजू है ना इन आदात का, क्योंकि ये पहले बात हो चुकी है कि आदात के अंदर ऐसी आदात शामिल हैं कि जो बाकायदा यानी तबाए सलीमा की तरफ से उनका वकू होता है, वो कबूल करती हैं और बाद में इस रवाज पकड़ जाती हैं कि लोगों के दिलों में वो यानी करार पकड़ जाती है। ऐसी आदात बाकायदा लोग उन पर अमल करते हैं, काम करते हैं, उनसे वो काम होते हैं बाकायदा, ये मुराद है। अगर कोई काम इतफाक़ी हो जाए वो इसमें शामिल नहीं, जैसे अभी बात की थी ना मोइज़ात की, करामात की, या फिर उसकी बुनियाद अकली हो तो वो भी इसमें शामिल नहीं। अकली बुनियाद अगर हो, उसके पीछे अकली तफकीर या कोई अकली तलाज़ुम है या अकली सबब है तो वो इसमें नहीं आते, वो आदात में शामिल नहीं होती, क्योंकि वो तो अकली लिहाज से मामलात वो होते रहेंगे, वो इंसान की आदत नहीं कहलाते। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो ये घड़ी पहनी हुई है, तो मैंने ऐसे किया, घड़ी ने हरकत की, तो आप कहें कि घड़ी को हिलाना क्या ये आदत है? ये आदत नहीं है, ये अकली चीज़ है, अकली तलाज़ुम है। वो ये कि जब आप हाथ को हरकत देंगे तो घड़ी भी हरकत करेगी। इसी तरह में हवा चलती है तो पत्ता हरकत करता है, तो आप पत्ते की हरकत जो है वो आदात में शामिल नहीं है, इसलिए इसके पीछे अकली सबब है। वो ये है कि हवा का चलना, हवा चलेगी तो पत्ते भी हरकत करेंगे। ये चीज़ें आदात में शामिल नहीं, यानी ना तो इत्तेफाकी चीज़ें और ना ही वो जिनके पीछे कुछ यानी अकली असबाब होते हैं, क्योंकि अकली सबब तो अल्लाह ने इस तरह ही उनको आपस में लाज़िम मज़ूम कर दिया है, जोड़ दिया है कि ये काम होगा तो ये भी साथ हो जाएगा, इसलिए शामिल नहीं। इसलिए उर्फ और आदत के अंदर यानी वो अमूर शामिल हैं जिनको बाकायदा आदमी करता है या उससे होते रहते हैं, बार बार होते हैं, बार बार वो करता है, और इस तरह करता है कि उसकी बाकायदा वो आदत बन जाती है करने की, और उससे वो मानूस भी होता है, उन यानी आदात से वो मानूस हो चुका होता है, और दिल उस पर मुतमिन है, दिल के अंदर उनकी अहमियत बैठ जाती है यानी उन आदात की। इसलिए हर इंसान अपनी आदात की काफ़ी पाबंदी करता है, इनफरादी भी हों तो भी नहीं छोड़ता। कई दफ़ा कोई दूसरा आदमी महसूस करता है या उसको बुरा समझता है तो कह भी देता है, यार तेरी ये कैसी आदत है, छोड़ता ही नहीं। जैसे बाद लोग सोते हैं तो अजीब किस्म का तरीका उनका होता है कि देखने वाला कहता है यार कैसे सो रहा है ये, लेकिन वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, जब देखो उल्टा लेटा होता है, जब देखो उल्टा लेटा होता है। यानी इनफरादी इस तरह की आदत है तो छोड़नी मुश्किल हो जाती है, इस तरह की इनफरादी। लेकिन जो आदत इख्तियार कर चुका होता है ना उसे में महसूस नहीं होता, वो उसको समझता है कि ये तो मेरी तबीयत का एक हिस्सा है, बल्कि ना करे तो उसके लिए मुश्किल नज़र आती है। तो इसलिए ये इनफरादी जो आदात हैं ये भी इस तरह, और इज्तिमाई भी होती है, इज्तिमाई जो चल रही हैं उनके मुताबिक। हमारे यहाँ शादी ब्याह की इज्तिमाई आदात जो हैं वो ऐसी बन चुकी हैं तो हम नहीं छोड़ रहे, छोड़ना कुछ चाहता है फिर भी नहीं छोड़ते। उन आदात के मुताबिक हम बाकायदा बारात का इंतज़ाम करते हैं, वलीमे का एक अंदाज है, उससे पहले बल्कि और भी खाने का लोग इंतज़ाम कर देते हैं, मंगनी के नाम से, मायू के नाम से, मेहंदी के नाम से। तो इन चीज़ों के अंदर कुछ गुंजाइश तो होती है, यानी बतौर रिवाज और आदत कोई आदमी इनको कर तो सकता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी जिक्र कर दिया है, बाद में भी बाकायदा इसकी कुछ शराइत होंगी कि हमने ये उर्फ आदत को कबूल किस वक्त करना है, दलील किस वक्त बनेगा। ये नहीं कि हर आदमी जो भी चल पड़े बस ठीक है, ऐसा नहीं। तो आदत और उर्फ ये दो लफ्ज़, जब हम लफ्जी तौर पर इनके तलाक़ को देखें तो दोनों का माना एक ही लगता है, यानी आदत से मुराद उर्फ, उर्फ से मुराद आदत, एक ही तरह। मसलन ऐसा कोई काम जो बार बार होता है, तकरार पाया जाता है, और उसमें कोई ताल्लुक अकली ना हो, कोई अकली ना हो या कोई करीना ना पाया जाए। अगर वो करीना पाया जाएगा तो फिर भी माना मुराद नहीं होगा, अगर अकली ताल्लुक है तो फिर भी आदत में शामिल नहीं। तो इसलिए उसूली भी और फुकहा भी इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि आदत से मुराद वो काम है जो बार बार होता है, तकरार सब के नज़दीक इत्तिफाकी चीज़ है। और इसके लिए उर्फ भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी उर्फ और आदत दोनों आदत के तहत आ जाते हैं। यानी जब आप लफ्ज़ बोलते हैं ना आदत, आदत के अंदर इंसान की जो इनफरादी आदत है वो भी होती है और इज्तमाई वो भी होती है। इनको हम कहते हैं ये जी आदात हैं। दूसरे अल्फाज में इनको क्या कहा जाता है कि ये हमारी आदात हैं, हमारे रस्मों रवाज हैं। रस्म रवाज हमारा, आप इसको रस्म रवाज का नाम भी दे सकते हैं। तो लेकिन उर्फ का लफ्ज़ और आदत का इसका कुछ फ़र्क भी है। कुछ अहले इल्म ने इसके दरमियान फ़र्क भी किया है। वो कहते हैं कि आदत वो होती है, ऐसा काम, ऐसा कोई अमर जो बार बार होता है, इसके अंदर किसी चीज़ का तकरार पाया जाता है। और उर्फ के अंदर वो मामला आ जाता है जो ज़रा मारूफ भी हो जाए, यानी इसके अंदर यानी एक मारूफ चीज़ आ जाती है, क्योंकि उर्फ से एक मारूफ माना निकलता है कि आदत के अंदर एक तकरार का पाया जाना, किसी चीज़ का बार बार वाक़ होना, और उर्फ के अंदर उस चीज़ का मारूफ हो जाना। इस तरह एक फ़र्क किया गया है। और दूसरा फ़र्क ये है कि आदत इंसान की इनफरादी होती है। जब कहा जाए ना कि ये फ़लाँ की आदत है तो ये इनफरादी है, लेकिन अगर कहा जाए कि ये वहाँ का उर्फ है तो फिर उर्फ एक आदमी का नहीं होता, एक आदमी की आदत ही होती है ना। जब उर्फ का लफ्ज़ बोलेंगे इससे मुराद यानी एक माशरे की, एक कौम की आदत होगी। शहर की भी हो सकती है, एक मुल्क की भी हो सकती है, ख़ानदान की हो सकती है, ताजरों की हो सकती है, डॉक्टरों की हो सकती है, इस तरह जो है वो पढ़ाने वालों की हो सकती है, पढ़ने वालों का एक अंदाज हो सकता है। ये एक यानी उर्फ बन जाता है। अगर जिसको कहते हैं उर्फ़ ख़ास, ये उर्फ़ ख़ास बन जाएगा ना जब किसी एक तबके से इसका ताल्लुक़ है। लेकिन जब इसका ताल्लुक़ जो है वो एक पूरे माशरे से, कौम से बन जाएगा तो ये उर्फ़ ये आम हो जाएगा। इस जगह फ़र्क क्या निकला कि आदत इंसान की इनफरादी होती है, जबकि उर्फ जो है वो इज्तमाई होता है। तो बाकी इज्तमाई में कुछ उर्फ ऐसे हैं जो ख़ास हैं और कुछ आम हो जाते हैं। यानी कुछ चीज़ें उर्फ में आम तौर पर चलती हैं और शरीयत उन यानी जो मारूफ चीज़ें हैं या उर्फ है उसके मुताबिक फ़ैसला करने की इजाज़त दे देती है। इसमें कुछ तो उर्फ होते हैं जो पैदा होते रहते हैं, कुछ उर्फ वो हैं जो नबी सल्लम के वक्त से चले आ रहे हैं, बल्कि उससे पहले भी चलते थे। इस तरह के हमारे यहाँ ये कुछ लेन देन के तरीके हैं। अरबी में उसके लफ्ज़ इजारा इस्तेमाल करते हैं, इजारा, और इस तरह सलम, इस्तिस्ना, ये चीज़ें एक पुरानी चल रही है। मतलब यह है कि इन चीज़ों का और उस वक्त भी था और जारी रहा, आज तक भी जारी है। इसमें शरीयत ने क्या किया कि इसमें यानी आम जो उसूल था उसके ख़िलाफ़ उर्फ के मुताबिक हुक्म लगाया और इन उकूद को अंजाम देने की इजाज़त दी। इजारा का मामला हो, क्योंकि इसके पीछे असल कहते हैं क्यास का तकाजा ये है, यानी शरी लिहाज से एक चीज़ मादूम है या मजहूल है उसकी खरीदो फरोख्त ना की जाए। यानी आप कहते हैं, बल्कि ये हदीस आती है कि जो चीज़ आपके पास नहीं, ला तबे मा लैसा इंदक, जो आपके पास नहीं है वो चीज़ आप ना बेचें, जो आपके पास नहीं है वो ना बेचें, जो आपने कब्ज़े में नहीं की वो ना बेचें। और यानी जो चीज़ ऐसी मजहूल है उसको ना बेचा जाए। आम कहता लेन देन का यही चलता है, खरीदो फरोख्त का, लेकिन इजारा की इजाज़त दे दी, इस तरह सलम की इजाज़त दे दी, इस्तिस्ना की इजाज़त दे दी। इस्तिस्ना में एक चीज़ आर्डर पर तैयार की जाती है, जो चीज़ तैयार होनी है वो अभी मौजूद नहीं, ना आदमी ने देखी होती है। इसी तरह सलम की सूरत है कि आदमी सिर्फ सिफात बयान करके एक चीज़ ख़रीद लेता है। इजारा में भी इजारा असर होता है मनफत की बय, मनफत उस वक्त अभी मौजूद नहीं होती, मालूम होती है मनफत, यह मजहूल होती है कि मनफत अभी वजूद में नहीं आती, आप उसकी कीमत पहले अदा कर चुके होते हैं। मसलन आप एक माह का या 3 माह का किराया दे देते हैं, किराया किस चीज़ का देते हैं? मनफत की आप वह करते हैं, मनफत की कीमत अदा करते हैं। तो मनफत जो है वो अभी सामने है ही नहीं, बाद में वजूद में आएगी। इस तरह की चीज़ें, यानी एक उर्फ चलता था लोगों का लेन देन का, उसका लिहाज रखते हुए इनकी इजाज़त दे दी। इजारा की इजाज़त, सलम की इजाज़त तो बाकायदा हदीस में मौजूद है। बाकी रहेगी ये इजाज़त इसकी इस्तिस्ना की कि साई पर चीज़ें बनानी, इनकी इजाज़त जो है उसकी बुनियाद यानी एक ज़रूरत है, ज़रूरत की बुनियाद पर, यानी ऐसी ज़रूरत का उर्फ बन गया कि जिस पर सब उलमा का यानी इत्तिफाक हो, समझने कि एक मसला इजमाई बन गया कि सब इजाज़त देते हैं, किसी ने इसमें इख्तिलाफ नहीं किया। कोई आदमी किसी से एडवांस पैसे दे के फकीर तैयार करवा ले, कोई हर्ज नहीं, इसकी इजाज़त है। तो इस तरह करके कुछ उर्फ ऐसे हैं कि जो आम होते हैं, बड़े पुराने चले आ रहे होते हैं, लेकिन अगर न्याय भी हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि ऐसा कोई मामला नया पैदा होता है और बार बार होता है, लोगों के यहाँ रवाज पा जाता है और लोग उसको उन्हीं तौर पर यानी करते रहते हैं या उनसे होता रहता है, तो उसमें यानी शरी तौर पर कोई हर्ज नहीं। उसके मुताबिक आप उस तसर्रफ के हुक्म लगा सकते हैं, फैसला कर सकते हैं ये जायज़ है या नाजायज़ है। ये क्योंकि आदत मुहक्कमा के अंदर ये चीज़ आती है कि आदत बाकायदा फैसल बन जाएगी तसर्रुफात का हुक्म लगाने के लिए, जिसमें कोई शरी नस शरी नहीं है, वाज़े नहीं, नस वाज़े नहीं, या किसी आदमी ने वैसे अल्फाज के असरात नहीं की तो वहाँ उर्फ के मुताबिक फैसले होंगे। तो ये उम्मी तौर पर ऐसा होता है, चलते फिरते हम देखते हैं बाज़ारों में झगड़े हो जाते हैं। तो एक आदमी कहता है कि नहीं जी ये मामला ऐसे है, दूसरा कहता है ऐसे है, गुजरने वाले कहते हैं यार यहाँ देखो कि आम रवाज कैसे चलता है, जिस तरीके से रवाज चलता है उसके मुताबिक वो फैसला देते हैं, यानी उर्फ के मुताबिक फैसला कर दिया जाता है। ऐसे झगड़े जो है वो यानी जब सामने आते हैं तो उन पर हुक्म हमने एक शरी लगाना होता है और उसमें आदत फैसला करती है कि हुक्म क्या लगेगा। उम्मी तौर पर ये जो उमूर जिनको हम आदात कहते हैं ये आम तौर पर पेश आते रहते हैं, कई जगह पर ये ऐसे यानी झगड़े भी सामने आते हैं। उर्फ के मुताबिक हमारे मामला बहुत से जो है वो तय पाते हैं, लेन देन के, तिजारत के, इसी तरह रहने सहने के, खाने पीने के। एक मिसाल के तौर पर ये होता है कि किसी आदमी का बाग है, बाग के नीचे फल आमतौर पर गिर जाते हैं, कोई शख्स जाके नीचे वो फल खाने शुरू करते या इकट्ठे शुरू करते, तो अब इसका फैसला कैसे करेंगे? इसका फैसला उर्फ से होगा। क्या उर्फ में मालिक इजाज़त देता है कोई शख्स नीचे से उठा के ले जाए? अगर उर्फ ऐसा है कि लोग महसूस नहीं करते, उर्फ में चलता है कि लोग दूसरों के बाग में जाते हैं या फलदार दरख्त के नीचे जाते हैं और उसको उठा के ले आते हैं, तो फिर ठीक है, उसके मुताबिक फैसला होगा। लेकिन अगर रवाज वहाँ हो, किसी को कोई उठाने नहीं देता, तो फिर कोई शख्स उठाएगा तो उसको पकड़ दिया जाएगा कि तूने इसकी इजाज़त के बगैर ये चीज़ उठाई है, लिहाजा जो भी फिर जज़ा सज़ा है उसको वो भुगतनी पड़ेगी। ऐसे ही यानी उर्फ के अंदर और भी खैर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ क्योंकि बात हमने की थी कि इसकी 2 सूरतें बनती हैं। एक है कि नस ने हुक्म एक मुतलक रख दिया है, अब जो है वो कौन सा पानी नापाक है, कौन सा पाक है। मतलब आम अहले इल्म कहते हैं जी माए कसीर अगर हो तो नजास्त गिर जाए तो वो पाक रहेगा, अगर माए कलील हो तो नजस हो जाएगा। अब कसीर और कलील का फैसला कैसे करें? ये और भी करेगा। और हमें अंदाज़ा लगाएंगे हम कि कसीर और कलील का फ़र्क कैसे किया जाएगा। और ये फ़र्क तकरीबन उन्हीं लोगों का ही होता है ना जिनकी अक्ल सलीम होती है, तबाह सलीम ना रखने वाले वो लोग फैसला करते हैं कि कसीर और कलील का जो है फ़र्क हम किस तरह करेंगे। वरना इस तरह ये दोनों किस्म के मामला चलते रहते हैं। एक तो ऐसे जिनमें शरीयत ने मुतलक हुक्म बयान कर दिया है, उसकी बकायदा तायीन नहीं की, और कुछ काम ऐसे हैं कि जो इसके अलावा भी वाक़ होते रहते हैं जिनमें कोई नस नहीं होती, लोग बतौर आदत उनको अंजाम देते हैं। क्योंकि शरीयत ने असल अहकाम एक है इबादात, इबादात का भी तयन कर दिया है कि आप ये इबादतें करें, इसका मतलब है कि इसके अलावा और इबादत नहीं की जाएगी। बाकी जो मामलात हैं या मसलन कारोबार की सूरतें हैं, इनमें देखा यह जाता है कि कौन सी चीज़ हराम है। या हमने पीछे पढ़ा था ना अलसलूफ़ी अश्याई अलिबा, चीज़ों में असल इबादत होती है, तो जो चीज़ें नाजायज़ हैं उनको तो मना कर दिया, बाकी में असल इबादत है। इसलिए ये चीज़ें जो आदत वाली हैं ये किस में आ जाएंगी, ये भी इसी में आ जाएगी ना कि किसी की आदत बन चुकी है, इनफरादी आदत है या इज्तमाही आदत है। तो हमने उसमें ये देखना है कि कहीं ये आदत किसी शरी नस से नहीं टकराती, शरी नसूस से, किसी शरी हिकमत से नहीं टकराती, या कोई ऐसी तो नहीं आदत जिसके नतीजे में मुआशरे के अंदर फसाद और बिगाड़ पैदा होता है। ऐसी भी होती है। जब हम बिगाड़ वाली आदत देखेंगे तो उनको रोक देंगे ये सद्दो ज़राए के तहत। अगर कुछ आदत ऐसी हैं कि जिनसे कोई ज़रा नहीं, कोई मसलत ज़ाय नहीं होती, तो वो यानी जायज़ होंगी, उनमें किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। इसलिए इसमें यानी उसूल असली ये बनता है कि हमने कौन सी आदत या कौन से रवाज हैं जिनकी इजाज़त है या उनके मुताबिक फ़ैसले हो सकते हैं, यानी कौन सी आदत हैं जिनको हम बतौर फैसल मानेंगे। इसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, कोई भी ऐसा रवाज, कोई ऐसी आदत जिससे शरी तौर पर टकराव पैदा होता है, शरी नसूस से टकराव पैदा होता है, तो ऐसी आदात, ऐसे रवाज जो हैं वो मरदूद हैं, उनको नहीं लिया जाएगा। जैसे मसलन किसी कौम के हाँ सूद रवाज बन गया, ये आम होगा, कोई आदमी कहेगी तो ये रवाज बन गया, तो हम कहेंगे ये रवाज ये बातिल है, हराम है, इसलिए क्योंकि शारे ने नस्सन इससे मना कर दिया। अगर किसी जगह को बुराई जो है वो आम हो जाए, ये आदत बन जाए लोगों की, फिर लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खाना आदत बन जाए, तो हम कहेंगे इससे तो नस्ल मना कर दिया गया। इसलिए ऐसा कोई भी उर्फ, कोई भी रवाज बरहन की आम हो जाए, जिस तरह के हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रही है, यूरोप के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये लिबास इस तरह का औरतें पहनती हैं कि कुरानी आम है, बेहयाई के लिए बाकायदा वहाँ क्लब हैं, अड्डे हैं, यानी उनके हम बुराई असल जुर्म नहीं। जुर्म कब बनता है? जब कोई जबर करे, जबर व इकरार की सूरत में जुर्म है, वरना उनके यहाँ जना जुर्म नहीं रहा, ये उन्होंने उर्फ बना लिया है, तो ये उर्फ कैसे मुतबर होगा। ये ऐसी आदात जो मरदूद होंगी, तो शारे ने जब उनसे नस्सर रोक दिया है कि ये हराम है। खंजीर खाना उनके यहाँ आदत बन गई, मुर्दार खाना आदत बन गई, कुत्ते खाना ये आदत बन गई, बंदर खाना ये आदत कई लोगों के यहाँ जिस तरह के चाइना के अंदर ये है, चूहे खाना लोग आदत बना लेते हैं, यानी ऐसा मुसलमान कौमों के अंदर, मुल्कों के अंदर ऐसी चीज़ों का रवाज है। और सूद भी ऐसा रवाज है, उनके यहाँ बुराई नहीं है। तो वरन इस तरह के रवाज जिनसे शरीयत ने नस्ल मना कर दिया है, उनका कोई एतबार। इसके अलावा जो है वो कौन से रवाज हैं कि जो यानी जायज़ हैं या जिनकी जगह, जिनकी मौजूदगी में हम उस रवाज को बतौर हकम तस्लीम करेंगे कि तसर्रुफ़ात में उनके मुताबिक फ़ैसला होगा। इसकी कुछ तफसील है, यानी इसकी कुछ अक़साम हैं, कई उनमें हम इसकी वज़ाहत करेंगे कि कौन सी आदत, कौन सा उर्फ़ जो है वो मोतबर है कौन सा नहीं, इस उर्फ को हम बाकायदा फैसल मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। बाकी रह गया वो उर्फ और आदत जिसका नस से सरी टकराव है, नस कहती है कि नाजायज़। हमारे यहाँ से लोग फ़र्क नहीं करते, शादी में ना ढोल मक्का हो रहा हो, नाच गाने हो रहे हों, बहुत सी और कबाहतें होती हैं, उन्हें कहा जाए कि ये क्यों करते हो। मैंने खुद सुना है अपने कानों से, कई लोग कहते हैं कि ये जी ये तुमने को किया, ये टेंट लगाने कहाँ की सुन्नत है, ये तुम इतना खाना जो लोगों को खिला रहे हो ये कहाँ की सुन्नत है, तुमने ये मेज़ लगाए हुए हैं, ये यानी कुर्सियाँ लगाई हुई है, ये कहाँ से आ गई, ये सारा कुछ ये को सुन्नत है। इस तरह की बात करते हैं, हालांकि सिर्फ खाना खिलाना ये हमारा एक उर्फ है, ज़रूरत के मुताबिक टेंट लगा देना, कुर्सियाँ मेज़ रख देना, ये उर्फ है। खाने भी ज़रूरत के मुताबिक या रवाज के मुताबिक पकाए जा सकते हैं, इसराफ नहीं होना चाहिए, वैसे तो पकाए जा सकते हैं, खाने में क्या हर्ज है। ये काम अगर उर्फ में रवाज पा जाएँ तो हम इन पर अमल कर सकते हैं। बार बार ये काम होते भी रहते हैं, इसलिए इनको दलील नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इन में ममानत किसकी है, इसराफ की। बाकी चीज़ों की ममानत तो नहीं आई। बाकी जो है वो ढोल मक्का, नाच गाने, नजायज़ काम जो हाँ इख्तलात मर्द औरत का, औरतें जो हैं वो नीम उरिया लिबास में आएँ, बहना वहाँ बैठी हों, ये वो काम है जिन्हें शरीयत ने रोक दिया है। जिनसे शरीयत ने रोक दिया है आप उनको इन पर कयास नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऐसे रवाज ऐसी आदात हैं जिनसे शरीयत ने रोका नहीं। हमारी यानी एक यहाँ की अपनी कौम के या मसलन शहर के या मुल्क के रवाज चल रहे हैं, तो उन पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक ऐसे रवाज कि जिनसे नस्सन मना कर दिया गया हो, वो कहा जाए कि ये भी इसलिए जायज़ हैं कि आप ये कर रहे हैं, तो ये आप क्यों कर रहे हैं, इनकी इजाज़त कहाँ से आ रही। इन दोनों में आम आदमी फ़र्क नहीं करता, इसलिए मामले को खलतमल करके ऐसे शोर में चलाते। अजीब किस्म का क्या एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक शादी में ढोल ढमक्के हो रहे थे, स्पीकर चल रहे थे, आवाज़ बड़ी दूर जा रही थी। उनको जाके कहा कि आप ये करीब मस्जिद है, मदरसा है, आप ना करें। फौरी कहने लगे कि आप जो है वो अजान के लिए क्यों स्पीकर चलाते हैं, जुमे के लिए क्यों स्पीकर चलाते हैं। मतलब क्यास अजीब किस्म का, इसको यानी क्यास माल फारिक और यानी बिल्कुल बातिल क्यास कहते हैं कि वहाँ जो है वो नेकी के लिए आवाज़ फैलाई जा रही है, लोगों को अजान सुनाने के लिए, खुतबा सुनाने के लिए जो है वो स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी जगह जो है ढोल मक्के के लिए और कुरानी फाशी फैलाने के लिए, जिससे शरीयत ने मना कर दिया, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब दोनों का हुक्म एक तरह नहीं हो सकता। बिल्कुल इस तरह शादियों के रवाज भी हैं कि वैसे खाना खिलाना, कुर्सी पर बैठाना, मेज़ लगाना, इस तरह धूप से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए टेंट लगा देना, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है, कोई शरीय तौर पर कोई ममानत नहीं है। तो इनको सामने रख के कोई आदमी जो है नाजायज़ कामों को भी जायज़ कर ले, जिनसे नस्सन शरीयत ने मना कर दिया, इसलिए ऐसे उर्फ का कोई बार इतबार नहीं। तो पर एक तो ये शर्त है, बाकी जो दूसरी किस्म है उसकी इंशाअल्लाह आगे तफसील बयान करेंगे। वालेना इल्म ज़िंदगी शऊर से अलहिकमा इंटरनेशनल।